दोस्तों नमस्ते उदिला जी। नमस्ते दोस्तों। दोस्तों हमें ऐसा लग रहा है कि अभी कि हमारे जो पैर के नीचे से जमीन अगर खिसकती हो जैसा महसूस हो रहा है चकन जी, ऐसा उदयलाल जी जो मेरी बात सुनो। सबसे बड़ी बात यह कि उदयलाल जी हमसे जुड़े हैं, ये उदयपुर के निवासी हैं और उदयलाल जी के हमारे संपर्क, आपने इंस्टाग्राम से संपर्क किया, आप हमारी वीडियो देखते हो जी, तो आपको कैसे क्या लगा ऐसा वीडियो देखना? मैंने आपको जब आपकी आईडी पर जो मैंने वीडियो देखा मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और मैंने सोचा कि आपसे मैं जुड़ना चाहता था। और आपने ये लोकेशन बताई, ये जो मैंने आपको ये बताई कि लोकेशन मेरे को अच्छा लगा कि आप मेरे भी गांव में आकर वीडियो बनाओ कि अच्छी मैं लोकेशन आपको दिखाता हूँ। मतलब ये जो उदयलाल जी ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन ये जो ये क्या मैटर है यहाँ का? यहाँ पे तो काफी टाइम से यहाँ पहले काम भी चला था। अच्छा, उसके बाद में कांड हुआ और उसके बाद में भी ये काम उसी समय से बंद ही पड़ा। बंद ही पड़ा, कम से कम 10-15 साल बंद पड़ा अभी तक भी। अच्छा, मतलब ये घोषित भूत हवेली हो गई इसकी? हाँ, इसको तो भूत हवेली कहते हैं सब। ये ऐसी एक डरावनी जगह हो गई और रात को भी या दिन को कोई अंदर घुसने नहीं, उसको डर लगता है घुसने से पहले भी। अच्छा, मतलब एक यहाँ आते ही हम भी दोस्तों, आप ये प्लीज़ यार दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, क्या बताऊँ, मेरा दिमाग भी एक ऐसा घूम रहा है कि ऐसी घटना है, बात करते तो भी एक डर फील हो रहा है। ये जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चला और उसके बाद काम चलते चलते ही एक की बंदे की मौत हो गई, छगन जी सही बात है? बिल्कुल सही बात। छगन जी आप कहाँ से? इधर आओ, उधर उस साइड जाओ। यहाँ काम चला और उसके बाद एक बंदे की मौत हुई ना? एक बंदे की, उसके बाद काम बंद हो गया? उसके बाद बंद। तो उसके बाद जो यहाँ पर मेन कौन की, पहले फर्स्ट किसकी डेट हो गई थी यहाँ पर? कोई सबसे पहले कोई यहाँ पे कोई महारानी थी। महारानी थी और उसका यहाँ पे चाहे यहाँ कोई बरगद का बड़ा पेड़ था और उस समय वो रात यहाँ रुके थे। अच्छा, और उनके साथ में ऐसी जो घटना घटी थी। अच्छा, वो उसके बारे में जो उन्होंने कुछ स्वर भी निकाले, कुछ गीत वगैरह, वो पुराने गाने उन्होंने गाए। अच्छा, जो उसके वजह से कोई ऐसा पक्षी था, उन्होंने आवाज पकड़ी। अच्छा, उसके कारण उन्होंने उसके बाद में उसके या शरीर में कोई ऐसा भय ऐसी चीज आएगी जिसको वो चीज जो देखते हैं वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। अच्छा, बहुत खतरनाक जगह थी ये, डर नहीं, मेरे को भी यहाँ बहुत डर लगता है यार। उदयलाल जी आप सबसे हाथ मिलाता हूँ, नमस्ते। एक बार इनसे जरूर लाइक और इनके लिए एक बार जरूर मैं जय हिंद बोलता हूँ इनके लिए, और एक बार लाइक जरूर करना यार। इतनी बड़ी रिस्क लेके और मौत के मुंह में आके हम यहाँ पर एक वीडियो बना रहे हैं यार, अफसोस की बात है यार, बहुत बड़ी बात। और ये हवेली इतनी भयानक है, दिन को आना भी यहाँ पर लोग की एक बार सो बार सोचते हैं कि यार मरूंगा या रहूंगा, और हमने रात को एक चैलेंज ले लिया है। तो ये ढोलक, ये जो आप अपन ने ढोलक लाके, ये आपने क्या बताया, इस ढोलक क्या होगा इस ढोलक से? ये ढोलक तो ये है कि जब मैं इस ढोलक को बजाऊंगा तो वो सामने ही आएगी। क्या बात की, वो इसका सुर मिलते ही वो दौड़ी आती है। अच्छा, ढोलक के सुर से वो उड़ जाती है, मतलब ये जैसे ये जो ढोलक की जो संगीत बजेगा और उसके बाद वो मतलब वो चीज अपने एक कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी ना। हाँ, एक्टिविटी। तो दोस्तों बात अब थोड़ी हो गई होगी, स्टोरी आपको स्टोरी समझ में आ गई, तो चलते थोड़ी आगे की तरफ बढ़ते। जैसे आप ये ढोलक बजा रहे हो ना, मतलब इस ढोलक से मतलब उस जो रानी की जो मतलब एक संगीत सुनते ही और उसको एक ऐसी कोई चीज़ फील होगी जो मतलब वो अपने को यहाँ की मौजूदगी का जो मतलब मौजूदगी का एहसास दिलाएगी ना कि मैं यहाँ पर हूँ आज भी, और मेरी जगह छोड़ दो, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, कि आप कौन हो इतनी रात को जो ये संगीत बजा रहे हो और आप ये इतना मुजरा कर रहे हो, क्यों ऐसा क्या कर रहे हो? तो उस रानी की जो मतलब एक एक्टिविटी यहाँ पर होगी और उसकी मौजूदगी का एहसास अपन करेंगे कि वाह आज भी कोई चीज़ है यहाँ, है ना? तो
दोस्तों एक बार ठीक है तो जयकारा लगाए, देखिए ट्रायल करते हैं ऐसी कितनी देर में आएगी और कितना समय लगाते हैं। तो चलो स्टार्ट करें। सिर भारी होने लगा है। और पिंटू भाई ध्यान रखना, बिल्कुल ये 110% यहाँ पर चीज़ मतलब ऐसा लग रहा है कि महसूस किया एहसास जो मतलब ऐसा लग रहा है कि या तो मुझे सिर क्यों घूम रहा है, मुझे चक्कर आने की कोशिश हो रहा है। और छगन जी बताओ क्या है ऐसी चीज़ कोई है ऐसा लग रहा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, चीज़ तो है यहाँ, चीज़ है ना यार, डर लग रहा है मुझे भी बहुत भयानक। तो ऐसी चीज़ इतनी देर मतलब दोस्तों क्यों शॉर्ट में निपटाना है, क्योंकि ज़्यादा अगर मतलब इतनी ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ घटना घट सकती है। तो उदयराम जी क्या है कि अपन कुछ आपको लगता है कि आएगी? वो आएगी, जरूर आएगी। लगा बताओ बोलो। उदयराम जी पीछे, उदयराम जी पीछे, उदयराम पीछे पीछे पीछे। वाह हाँ भाई फोकस करना, कौन है इसका पर्दा फोकस करना, बाकी में कुछ ये चीज क्या है भाई? जूम कर तू, फुल जूम है भाई। हाँ फुल जूम है। कौन है तुम? यहाँ पर कोई डराने की कोशिश कर रहे हो आप? ये आपने हम आपका जो भी नाम बताओ और आप हो कौन हो? हम आए दूर से और आपसे मिलने के लिए, कौन हो आप? उदयराम जी भाई कुछ बोलेगी क्या? ये बोली जवाब भी देगी, देगी देगी, जरूर देगी। मिलने नहीं आए, दर्शन करने आए। मिलने नहीं आए जल्दी जल्दी उदय राम जी। जाने का रास्ता भाई मेटर भाई आपका रूप दो,
आप यहाँ पर हो या नहीं हो और हमें कराने की कोशिश नहीं करें, हम यहाँ पर ऐसा कुछ करने नहीं आए। उधर पहुंचो ऊपर। हाँ फोकस में क्या एक क्लियर नहीं हुआ, कोशिश थी कि आखिर उदयराम जी साक्षात कोई है, ऐसी कोई रानी है? वो रानी है इसी महले में रहती है। इसी महल के अंदर रहती है? हाँ, उसको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढे ढूंढो उसको। आवाज पे मिंटू भाई, भाई 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 रुक जाओ भाई, में चुप चुप साइलेंट जा, साइलेंट साइलेंट चुप। आवाज आ रही है भाई, भाई आके मत। हाँ भाई, क्या चल रहा है इसके अंदर ही? इसके अंदर नीचे जा रही है कोई? नीचे क्या होता है? नीचे वो देख, नीचे नीचे नीचे। आराम से भाई, आराम से। आप रुक जाओ, जो भी हो कौन हो, ये चीज यहां पर है भाई। कौन तुम? चेहरा बताओ आपका, नीचे मत उतरो, नीचे की तरफ मत उतरो। आप कौन हो? वो जा रही हो, देखो वो जा रही, उदयराम जी जा रही है ना? हाँ वो जा रही, वो जा रही। पर यार क्योंकि पीछा करना पड़ेगा, पीछा करते क्योंकि हमेशा किसी चीज़ के साथ पीछा करते हैं ना धर्म जी, ऑन द स्पॉट उसकी मौत होती है। और कहने का मतलब पीछा नहीं कर सकते, पीछा नहीं कर सकते हैं। अब कहने का मतलब अगर इसने अपने को यहाँ पर जो मौजूदगी का ऐसा दिलाया है, इसका अपन फायदा नहीं उठा सकते। अगर कोई चीज़ है उससे अपने को दर्शन करने थे, इसने अपने को दर्शन कर दिए, दे दिए। हाँ, इसके अलावा ज़्यादा परेशान करेंगे। भाई कैमरा पूरा अंदर से देखना, अंदर कोई चीज है तो नहीं ऐसी, और कोई ऐसी चीज हो जाए दिक्कत आए। हवेली है यहाँ, जानते हुए भी मत जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ लास्ट? खतरा, खतरा। माँ भूत की हवेली, यहाँ जानते हुए भी मत जाना, यहाँ है खतरा। क्या बात है यार, माँ सामने भी माँ लिखा हुआ है। जय माँ, मतलब माँ क्या लिखा हुआ? चारों दीवार पे माई माई का नाम है। भूत की हवेली,
ये बना रखा हाँ चलिए भाई हाँ क्या हुआ ये बना से क्यों मुझे उधर हम जेब वो जगह लगाना मैं बुलाऊंगा उसको सामने बुलाओ ऊपर देखो हाँ भाई ऊपर ही ऊपर है कहने का मतलब पैरा लगा रही है मतलब वो चाहती ही नहीं है कि हम यहाँ पर आए और अपने को वो पसंद ही नहीं करती कि अपन यहाँ पर आए क्योंकि ये मतलब उसकी वो इतनी सब्रता नहीं है कि वो अपन आए और वो खुश नहीं है दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ आगे की तरफ बढ़ूँगा मैं किसी टीम वर्क के साथ कोई घटना घटे मैं नहीं चाहता हूँ और मैं इसी समय इसी वीडियो को यही समाप्त करूँगा मेरे को अगर आप अच्छा प्यार दो तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा और आपका आशीर्वाद हमें बनाए रखना उदयराम जी के लिए और क्योंकि मेरा सिर घूम रहा है और चीज़ जहाँ पर कोई भयानक है लेकिन यहाँ का कोई आगे की वीडियो नहीं आएगी बस थोड़ा मुझे पता था कि वाकई में इस्टबल हैं और यहाँ पर कोई चीज़ है जो वाकई में यहाँ पर मौजूद में अगर समय अगर ऐसा आएगा जिस दिन अगर उसको पकड़ के यहाँ पर प्रूव कर देंगे यहाँ पर आज़ादी जो होगी उसको कराएंगे और आज के लिए जय 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 माता जी की छगन जी जय जय भाई गुड नाइट।